शादी में पसंदीदा बाइक नहीं मिलने पर ग्वालियर में एक युवक ने अपनी शादी तोड़ दी। इतना ही नहीं, दूल्हे और उसके परिजन पर लड़की के भाई के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। पुलिस ने दूल्हे सहित उसके माता पिता व भाई के विरुद्ध दहेज एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के शिवनगर में रहने वाले राहुल कुशवाहा की बहन ज्योति का गुरुवार को तारागंज स्थित बेलदारों के पुरा में रहने वाले मोनू कुशवाहा से विवाह होना था। ज्योति के पिता का निधन हो चुका था। राहुल अपनी हैसियत के अनुसार बहन का विवाह कर रहा था। उसने दूल्हे को उपहार में देने के लिए हीरो होंडा बाइक खरीदी थी। शादी एक मैरिज गार्डन में थी। दूल्हे ने दरवाजे पर आकर हीरो होंडा साइन लेने से मना कर दिया। उसकी मांग थी कि उसे अपाचे बाइक दी जाए। लड़की वालों ने दूल्हे, उसके माता पिता और भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी बातचीत में दोनों पक्षों के बीच मुहवाद हो गया और हाथापाई हो गई। इस दौरान मारपीट में दुल्हन का भाई राहुल घायल हो गया और दूल्हा सहित सभी आरोपी भाग निकले। वहीं पुलिस थाने पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मोनू कुशवाहा, उसके पिता गुड्डू कुशवाहा, मां गोपी कुशवाहा व भाई गुलशन कुशवाहा के विरुद्ध दहेज एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। थाना जनकगंज का मामला है। 8 फरवरी 2023 की रात्रि में आराधना गार्डन में एक विवाह कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें फरियादी राहुल कुशवाहा की बहन की शादी थी और जो दूल्हे पक्ष के लोग हैं, विशेषकर दूल्हा जो था, उसने मंडप में चढ़ने से पहले दहेज में अपाचे गाड़ी की मांग की, जबकि लड़की के परिजनों द्वारा पहले से ही उनको होंडा साइन अपनी मर्जी से दी जा रही थी। इसी बात को लेकर के लड़कों ने जो है लड़की की बहन के भाई के साथ में हाथापाई की, मारपीट की और टेंट हाउस की कुर्सियों को तोड़ दिया, जिसके ऊपर से उसी रात्रि में 4 आरोपियों के खिलाफ दूल्हा स्वयं, उसके पिता और उसके दोनों भाई के खिलाफ 498 मारपीट, गाली गलौज और 3/4 दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया है। ग्वालियर से गुड्डू सभी तक रिपोर्ट।